रख लीजिए जिससे आपका कमाई बढ़ सके। लेकिन यार मेरे गाड़ी में ना एक प्रॉब्लम, क्लच खुलवाएं, क्लच का जो पैडल होता है क्लच वाला ना, तो वो खुलवाया जा रहा है भाई, बैक गियर चालू होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, दिन बर्बाद हो गया है बता दे। सो हेलो एंड फिर स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो भाई हो चुका है सुबह, आप सबको भाई गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह बहुत बड़ा खुशखबरी है, बिग सरप्राइज आप लोगों को देने वाले हैं। मतलब हम लोगों ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है जो कि आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो को इसे कंटिन्यू करते हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पहला घंटा प्रेस करें, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहेगा। बता दे भाई, अभी तक तो मेरा गाड़ी का कोई भी बुकिंग कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ भाई, कुछ देर में कंफर्म हो जाएगा तो घर से निकलेंगे। वैसे तो हम सोच रहे हैं कि अभी घर से निकल जाते हैं, चलते हैं पहाड़िया मंडी की तरफ, देखते हैं कोई भी भाड़ा मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा चले जाएंगे, क्योंकि भाई मार्केट ना बहुत ही ज़्यादा मंदा चल रहा है। और ट्रांसपोर्ट वाले चचा से सुबह से ही बातचीत हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि बाबू भाड़ा मिल नहीं रहा है, क्योंकि भाई वो भी कोशिश कर रहे हैं। भाई वो कोशिश नहीं करेंगे तो 2 रुपये उनके जेब में भी नहीं आने वाला है, क्योंकि पता है हर एक आदमी से जुड़ा होना होता है। जैसे ही वो हमारे लिए भाड़ा खोज के देते तो उनको हम कमीशन दे देते, तो उसी से भाई उनका भी घर परिवार चलता है। तो फिलहाल अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दिए, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके पहला घंटा प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से पहुंच सके। तो बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग रखिए, नहीं प्रेस करेंगे तो टाइम से नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा और वीडियो को आप लोग मिस कर देंगे, मतलब वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो जो सरप्राइज है कुछ देर बाद आप लोगों को बताने वाला है। फिलहाल बैग अगर अपना पैक हो चुका, ठंडा पानी करा हमने ले लिया है, घर से निकलते हैं, चलते हैं पहाड़िया मंडी की तरफ, देखते हैं कहीं का बुकिंग मिलता है तो चलते हैं बुकिंग। तो फिलहाल भाई घर से निकल चुके हैं, जबरदस्त वाला भाई धूप निकल चुका है, लेकिन भाई ठंडा पानी कर ले लिया पीने के लिए, बैग अगर अपना तैयार है, देखते हैं कहाँ का बुकिंग मिलता है भाई, कहाँ जाते हैं। फिलहाल अपने गाड़ी के अंदर जाएंगे, बैठेंगे भाई गाड़ी के अंदर बिना, बहुत ही जबरदस्त वाला यार गर्म होगा इस टाइम। तो ये देख सकते हैं अपना गाड़ी इधर है यार, गाड़ी का डिग्गी क्यों खुला है भाई, वो यार भाई रात को कुछ कांड ना हो गया हो यार, भाई डिग्गी मैंने खुला ही छोड़ दिया था यार वो भाई। चलो सब कुछ सही सलामत है, टेंशन की बात नहीं है, पहले इसको देखते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर बातें करेंगे भाई आप लोगों से। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार, पता है गाड़ी चलते टाइम ना हम इसको खोल के रखते हैं, ये अंदर से खोल देते हैं, पता नहीं भाई रात को खुला ही छूट गया था हमसे यार। तो फिलहाल भाई सब कुछ सही है, मतलब इंजन अगर मैंने अच्छे से खोल के देख लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गर्मी देख रहे हो भाई जबरदस्त वाला गर्मी हो रखा है। मैंने गाड़ी चालू किया, गाड़ी चालू करने के बाद सुबह सुबह ना कि 2 से 3 मिनट छोड़ना पड़ता है, जैसे मोबाइल ऊपर नीचे होता है उसके बाद फिर गाड़ी को आगे बढ़ाइए या पीछे करिए, चाहे कहीं भी जाके निकलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फिलहाल गाड़ी का इंजन गर्म हो चुका है, लेके निकलते हैं पहले कॉलोनी से, क्योंकि जब तक गाड़ी चलेगा नहीं ना तब तक ठंडा हवा आएगा नहीं। फिलहाल भाई एक सीन हो चुका है, रस्सी भाई केबिन के ऊपर रखे हुए थे, ठीक है लुढ़ुक के भाई ये नीचे गिर रहा है, अभी जाना पड़ेगा हमको पीछे जाके फिर भाई ढाला के ऊपर चढ़ने के बाद ना ये जो रस्सी ऊपर रखा हुआ है पहले इसको फेंकना पड़ेगा। ओ भाई जाली मारा हुआ है यार, इसके अंदर से कैसे घुसे ऐसे। तो ये देखो भाई पूरा का पूरा रस्सी अभी गिरने वाला था मेरा, ये भाई नीचे पूरा झुलस गया देखो। भाई इतना रस्सी मेरा आज नुकसान होने वाला था, अगर गिर जाता ना भाई तो 500-700 रुपए का पूरा नुकसान हो जाता आज मेरा। चलो सब कुछ ठीक है इधर, ये भी पता नहीं क्या, इसको फेंकते हैं। तो भाई एक चीज अच्छा हो गया है, मतलब अच्छा नहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है, ये अपना है रामनगर का ब्रिज, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज दिखाते हैं क्या चीज अच्छा हो गया है, ये जो अभी खाली खाली सा देख रहे हैं आप लोग, इसमें भी पूरा का पूरा लगने वाला है भाई, बहुत लोग आत्महत्या कर चुके हैं इस ब्रिज के ऊपर से कूद के, ठीक है। तो फिलहाल सरकार ने डिसीजन लिया है, ठीका भी पास हो गया है और बाकी आधा से ज़्यादा काम भी कंप्लीट हो चुका है, देख के ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखो भाई ये जो देख सकते हैं पूरा भाई रेलिंग लग चुका है, पूरा जाली लग चुका है, इससे क्या है कि ऊपर तक चढ़ के कोई भी आत्महत्या नहीं कर पाएगा, और भाई आत्महत्या करने का जरूरत भी नहीं है यार, क्या जरूरत है भाई करने का यार, घर परिवार में रहिए, 2 रोटी कम कमाओ, घर परिवार के साथ रहो भाई, शांति दिमाग से रहो यार, टेंशन नहीं लेने का कहीं भी यार, टेंशन से मत जियो जिंदगी को, जो भी है 2 रोटी कमाओ शांति जियो, ठीक है। तो ये सब आत्महत्या करने का जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो फिलहाल ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा हो गया लग के, बाकी आप लोग व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, देखिए जा रहे थे भाई पहाड़िया मंडी की तरफ, लेकिन यार मेरे गाड़ी में ना एक प्रॉब्लम जो कि 4 से 5 दिन से आ रहा है, मतलब गाड़ी स्टार्ट करके जब हम बैक गियर लगाते हैं ना
तो बैक गियर लग नहीं रहा, चाहे स्टार्ट करके लगाए या फिर कहीं पे मान लीजिए गाड़ी बैक करना हुआ ना, तो बैक गियर लगा रहे तो बैक गियर लगाते टाइम कर कर करके आवाज आ रहा है बैक गियर से। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जा रहे मिस्त्री को दिखाने। हमें लग रहा है भाई गियर बक्सा का जो ऑयल होता है वो चेंज कराना होगा या फिर क्राउन ऑयल। तो ये दोनों टाइम से चेंज मैंने नहीं करवाया था इस बार, तो अभी जा रहे दोनों चेंज करवाते हैं क्योंकि जरूरी है भाई। गाड़ी से कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो चलाने का मन नहीं करता। और भी थोड़ा सा ग्रीसिंग अगर करवाना है जो भी काम रहे करवाते हैं फटाक से। तो फिलहाल अभी हम रामनगर पहुंच चुके थे, जा रहे थे पहाड़िया मंडी की तरफ। देखना भाई भाड़ा अगर मिल नहीं रहा था वहीं पे जाते थे, कुछ ना कुछ भाड़ा कहीं का मिलता जरूर। तो फिलहाल जा नहीं रहे, अभी हम गाड़ी को घुमा लिए हैं, अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे गाड़ी को बनवाने। तो ये जो प्रॉब्लम है पहले प्रॉब्लम को सही करवाते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी चलाएंगे। यार मतलब प्रॉब्लम होता है तो मजा नहीं आता गाड़ी चलाने में। तो चलते आगे, नारायणपुर जाना है। मतलब मेरे घर से नारायणपुर का जो दूरी है वो है भाई 10 से 12 किलोमीटर, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो चलते हैं भाई, पहले गाड़ी काम करवाते हैं। तो फिलहाल भाई पहुंच चुके हैं बाईपास, बाईपास पुल के नीचे हैं भाई। इधर ये पुल बन जाएगा तो इधर का जो जाम है खत्म हो जाएगा, और यहीं से भाई बस लगता है रेनकोट, शक्ति नगर, द्रापड़गंज, यहाँ से हर एक जगह बस अगर मिल जाएगा आपको। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं भाई। आज इस रोड को हुआ क्या यार, इतना खाली क्यों भाई? मतलब पहली बार ये रोड इतना ज्यादा हम खाली देख रहे हैं। तो देख सकते हैं भाई कोई भी गाड़ी नहीं दिख रहा भाई, पूरा पूरा सन्नाटा है रोड। देखिए दोनों तरफ भाई पूरा का पूरा खाली खाली सा है भाई, पता नहीं इतना ज्यादा खाली क्यों है। वो देखिए इतना ज्यादा एक ट्रक वाला दिखा, वो भी जा रहा है इधर से। वो देखो भाई पता नहीं इतना खाली क्यों है, क्या बात है भाई। हो सकता है आगे चेकिंग अगर चल रहा हो भाई, इसी वजह से ट्रक वाले भाई लोग अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रक वाले भाई इधर बालू गिट्टी में चलते हैं, तो उन लोगों को शायद सिग्नल अगर मिलता सब शायद चलते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमें एक बालू वाले ट्रक वाले भाई ने मुझे बताया था। तो फिलहाल आगे चल रहे हैं हम। ये जो पुल है ना अभी तैयार नहीं हुआ है। हाँ भाई कुछ महीने और लगेंगे शायद तैयार हो जाएगा, सीधा हनुमाना निकलेगा। बता दें यहाँ पे अक्सर अभी जाम लग जा रहा है कुछ दिनों से नहीं कुछ महीना या साल से जाम लग रहा है, क्योंकि जब भी आते हैं हल्का फुल्का यहाँ पे जाम लग जाता है। बाकी पीछे दिखाया आप लोगों को कहीं भी जाम नहीं था, पूरा खाली था, मस्त आ रहे थे, लेकिन पुल के नीचे आके मेरे भाई फंस गए यहाँ पे। तो जाम से निकलते हैं, पहले भाई कुछ खाएंगे क्योंकि लगा है भूख। पता है नाश्ता करके निकले थे, बस हम जो खाना वगैरह खाएंगे जाम में फंस गए। और सुबह मैंने नाश्ता किया था 8 बजे और 11 बजे घर से निकले, और अभी दोपहर के बज चुके हैं 12। तो कुछ खाएंगे फिर गाड़ी अगर बनवा के फिर निकलेंगे घर पे यार, क्योंकि यार गाड़ी खराब है ना, मन नहीं मान रहा, पहले सोचा गाड़ी बनवा लेते हैं। फिलहाल भाई जहाँ पे गाड़ी बनवाना था वहाँ तो पहुँच चुके हैं। यहाँ पहुँचने के बाद भाई कलच खुलवाए, कलच का जो पैडल होता है कलच वाला ना, तो वो खुलवाए। देख सकते हैं इसका पूरा ये सब आइटम खुला हुआ है। तो ये मिस्त्री साहब बता रहे हैं कि ये खराब हो चुका है, पता नहीं ये है क्या, आईसी लग रहा कुछ बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है क्या। रबड़ का कुछ, रबड़ भी नहीं है भाई, प्लास्टिक का है, और ये शायद खराब हो चुका है। और ये अभी न्यू खरीद के लेके आए हैं तो ये लगेगा। तो फिलहाल ये अभी खुला हुआ है, इसको लगाने से बोल रहे हैं कि सही हो जाएगा, पता नहीं भाई सही होगा कि नहीं, पहले इसको लगवाते हैं फिर देखते हैं कि क्या होता है, सही होता है कि नहीं होता है। कल मिस्त्री साहब हमारी गाड़ी का कर रहे हैं काम, देख सकते हैं, बोल रहे हैं कि हल्का सा क्या हुआ इसमें, खत्म हो गया है प्ले, कट गया है, तो इसी वजह से कलच अच्छे से दब नहीं रहा है, इसी वजह से ये बैक गियर लगाते हैं हम कर करके आवाज कर रहा है। तो फिलहाल अभी न्यू लगा रहे हैं, देखते हैं फिर क्या सिस्टम होता है, आवाज करता है कि आवाज सही हो जाता है। तो भाई पूरा का पूरा दिमाग यार खराब हो रहा है बार बार भाई साहब। ये चीज मैंने चेंज किया लेकिन अभी तक मेरा गाड़ी सही नहीं हुआ, आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या आ रहा है। पहले करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो मान लीजिए गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया, अब हमें लगाना है बैक गियर। तो पहले हम आप लोगों को बता दें कि एक नंबर लगाने के बाद बैक गियर लगाएंगे तो आवाज नहीं करेगा। तो ये देख सकते हैं भाई बैक गियर लग ही नहीं रहा है, ठीक है। देखो मान लो कि ऐसे लगा दिया, थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलता है कंपनी वाला क्योंकि प्रेशर रहता है, उसके बाद भी लगा रहे, देखिए बैक गियर नहीं लग रहा है। कितना देर बाद लगा, मतलब तुरंत जो ये आना चाहिए ना ये नहीं आ रहा है तुरंत, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए ये देखिए, तो ये पता नहीं ऐसा हो क्यों रहा भाई, मेरा एकदम दिमाग खराब हो जा रहा भाई साहब, पता नहीं ऐसा बार बार हो क्यों रहा है। देखिए ये देखिए तुरंत बैक गियर नहीं लग रहा, कर करके आवाज़ कर रहा है, कर करके आवाज़ और फंस जा रहा है भाई बैक गियर, पूरा दिमाग खराब हो रहा है। मिस्त्री साहब बोल रहे हैं कि अच्छे से देखते हैं फिर से कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिलहाल भाई आज तो पूरा दिन बर्बाद हो गया है, बता दे ना ही गाड़ी बना और ना ही हम भाड़ा में गए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा भाई। एक तो इतना गर्म है ना भाई, दिमाग पागल सा हो जा रहा है यार, देख रहा अच्छे से बात नहीं कर पा रहा आप लोगों से, इतना ज़्यादा गर्मी है। और गाड़ी भी नहीं बना भाई, गाड़ी में बता नहीं बैक गियर लगाते टाइम कर करके आवाज़ कहाँ से कर रहा है,
भाई वीडियो देखता हो मेरा, तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिए कि भाई क्या प्रॉब्लम हुआ होगा कि बैक गियर लगाने में कर कर के आवाज कर रहा है। फिलहाल हम सोच रहे हैं कल गाड़ी का सर्विसिंग करवा लें, कहीं से पैसा अरेंजमेंट करने के बाद 5 से 6 हज़ार रुपये लगेगा पूरा भाई, गियर आयल सियाल और आपका क्या बोलते हैं मोबिल का इंजन अगर सब कुछ चेंज करवा लेते हैं, सर्विस हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं आवाज करता है कि नहीं समझ, या तो फिर कंपनी लेके जाना पड़ेगा, देखते हैं जैसे बनेगा, बनवाना तो पड़ेगा ना भाई, सोच रहे कंपनी लेके चले जाएंगे। हाँ की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो राजस्थानी चाचा लोग बनारस में क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये देखो भाई राजस्थानी पगड़ी पहन के चाचा लोग घूम रहे हैं यहाँ पे लगता है भाई कहीं पे आए हुए हैं। लगन भी चल रहा है और ये लोग ना ये बगल में जानकी नगर कॉलोनी से निकले हैं, यहाँ पे लॉन भी है तो हो सकता है किसी का शादी अगर हो उसी में आया होगा भाई। तो फिलहाल भी अपने गाड़ी को लेके पहुंच चुका अपने कॉलोनी में, बता दे आगे का बोनट मैंने खोल लिया है और छोटा वाला भाई से गर्म पानी मंगवाया है। अरे इसको उठाओ यार, इसके ऊपर गर्म पानी रखे हो कहीं पेंट ना उखड़ जाए। नहीं नहीं तो भाई ये देख सकते हैं ये पूरा फंगस पड़ चुका है, इसके ऊपर पानी डालेंगे और ये ब्रश से साफ करेंगे। डालो यार पूरा भाई खराब हो रखा है और इससे इसको बहुत ध्यान दे रहे हैं आप लोगों को, नहीं तो गाड़ी चालू होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। धीरे धीरे डालो, धीरे धीरे एक सेकंड, धीरे धीरे। तो भाई देख सकते हैं कितना ज्यादा गंदा हो रखा है। और पूरा बैटरी भी साफ करेंगे क्योंकि पानी ज्यादा लेके आया हुआ है, और इसको भी साफ करेंगे, दोनों में ही फंगस जम गया अच्छा खासा वाला। तो फिलहाल भाई घर पे आ चुके हैं, देखा आप लोगों ने जा रहे थे मंडी लोडिंग करने के लिए, लोडिंग भाई गए नहीं क्योंकि भाई गाड़ी में काम आ गया, लोडिंग पे गया नहीं, आज लोडिंग भी हो जाता और कहीं चले भी गए होते, ठीक है, तो लोडिंग भी नहीं हुआ और गाड़ी भी नहीं बन पाया। तो एक बहुत बड़ा खुशखबरी है जो कि आप लोगों को बताना है भाई, हम लोगों ने पूरा फैमिली मिलके एक बहुत बड़ा डिसाइड किया है, बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल करने के लिए, क्योंकि भाई आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि आप एक ट्रक लीजिए जिससे आपका कमाई बढ़ सके। तो हाँ भाई हम लोगों ने पूरा फैमिली मिलकर फैसला कर लिया है कि हम लोगों को ट्रक लेना है, लेकिन हम लोगों ने ये फैसला नहीं किया कौन सा ट्रक लेना है, कितने चक्के वाला ट्रक लेना है, कौन सा ट्रक लॉन्ग ज़्यादा चल पाएगा और कौन सा ट्रक माइलेज ज़्यादा देगा, कौन से ट्रक का ज़्यादा बचत छोड़ेगा, तो ये सब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। अगर ट्रक वाले भाई कोई वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके सजेशन दीजिए। और हाँ भाई अभी हम लोग ट्रक के बारे में सोच तो रहे हैं लेने के लिए, लेकिन एक गाड़ी का पहले से लोन हम लोग का चल रहा है, जब तक ये गाड़ी का हमारे पिकअप का लोन फाइनल नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अभी गाड़ी नहीं लेंगे, ठीक है। सोच लिया है कि गाड़ी लेना है लेकिन अभी हम लोग नहीं लेंगे जब तक ये गाड़ी का हम लोग का लोन पूरा ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे गाड़ी नहीं लेने के लिए कंपनी वाला मना कर देगा, भाई आपको गाड़ी नहीं मिल पाएगा, पहले आपका लोन चल रहा है इसका लोन तो आधा हो जाए, आधा लोन हो जाएगा मतलब 4 साल का लोन है, कम से कम 2 या 2.5 साल कंप्लीट होने के बाद फिर आप दूसरा गाड़ी फाइनेंस करवा सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर सजेशन दीजिए कौन सा ट्रक लेना चाहिए, क्योंकि भाई हम लोगों ने फैसला कर लिया ट्रक लेना है लेकिन हम लोग कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आई होप कि आप सबको मिलकर इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल घंटा प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहेगा। एक मेरा सेकंड चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सेकंड चैनल का नाम है BDM कार व्लॉग, और अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम फॉलो करिए, इंस्टा आईडी बुद्धा देव 777 जल्दी फॉलो करिए एंड आइए वहाँ पे बातें करेंगे। और जो नेक्स्ट चैनल है भाई वहाँ पे अच्छा अच्छा वीडियोस भी आ रहे हैं कार रिव्यू का, पुराना मॉडिफाइड कार हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, मतलब कुछ यूनिक यूनिक चीज़ दिखाने का आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आई होप कि आप सबको पसंद आएगा, जाके एक बार विजिट जरूर करिएगा BDM कार ब्लॉग। और आप लोग हमारे BDM चैनल से गए हुए हैं, BDM ब्लॉग के चैनल से आप लोग जाके कमेंट जरूर करेगा हाँ भाई BDM ब्लॉग से आए हुए हैं। मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, ऐसे प्यार में वो सपोर्ट बनाए रखिए क्योंकि आपका मेहनत करेगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टाटा।